मॉरिशस के जिन तटों पर हरे समंदर की लहरें टकराती थीं, वहां अब दूर तक काले तेल का कीचड़ फैला हुआ है। मालवाहक जापानी जहाज से रिसते तेल ने पूरे इलाके की शक्ल बदल दी है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अब सैकड़ों की संख्या में रेस्क्यू टीम के ये लोग दिन रात इस नुकसान को कम करने में लगे हैं। पर्यावरण को बचाने की मुहिम में जुटे इन लोगों में चीन, जापान और मॉरिशस के एक्सपर्ट और वॉलंटियर्स शामिल हैं। ये मालवाहक 25 जुलाई को तट के करीब एक कोरल रीफ में अटक गया था। इसके बाद जहाज से लगभग 1000 टन ईंधन रिस कर तमाम मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचा चुका है। फिलहाल जहाज दो टुकड़ों में टूट चुका है और रिसाव अब भी जारी है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ ने पहले ही पर्यावरणीय इमरजेंसी की स्थिति की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह जहाज मॉरिशस के लिए खतरा बन गया है, जिसको देखते हुए युद्ध स्तर पर गंदगी को साफ किया जा रहा है। सरकार को अब राहत बचाव में जुटे एक्सपर्ट से ही उम्मीद है कि वो जल्द ही समुद्र और उसके तटों को साफ करने में कामयाब हो पाएंगे।